हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ वीडियोस में पूरा लेसन एक्सप्लेन किया है और पिछले वीडियोस में मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब जो लेसन के बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ब्लू बॉक्स में बने हुए हैं, उनको हमने डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम आपके टेक्स्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टेक्स्चुअल क्वेश्चन मीन्स आपके बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एंड ऑफ द लेसन में जो एक्सरसाइज दी गई है उनको हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी बुक्स को रेडी रखिए, सामने रखिए, सो दैट आप भी क्वेश्चन पढ़ते हुए आप भी ध्यान दें और मैं हर आंसर को आपको बताऊंगी, हर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करें, आपकी बुक्स रेडी हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल प्लांट बेयरिंग वायलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट बेयरिंग वाइट फ्लावर्स। दो कंडीशन दी गई है। एक मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। एक कैरेक्टर में बोला गया है कि पी प्लांट लिया जो टॉल था और उसमें वायलेट कलर के फ्लावर्स थे। ओके, सो हम कह सकते हैं टॉल प्लांट एंड वायलेट फ्लावर्स, ये एक पहला प्लांट उन्होंने लिया। दूसरा प्लांट लिया शॉर्ट प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स। सो शॉर्ट प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स, ये दूसरा प्लांट था। अब इनके एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने एक टॉल प्लांट जिसमें वायलेट फ्लावर्स लगे थे और दूसरा शॉर्ट प्लांट जिसमें वाइट फ्लावर्स थे, इन दोनों को क्रॉस करवाया, तो उनको क्या रिजल्ट मिला? देखिए, द प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स द एफ नेक्स्ट जनरेशन, दे ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। उनको क्रॉस करने के बाद क्या मिला? वायलेट फ्लावर्स मिले और 50% वे शॉर्ट, शॉर्ट प्लांट्स मिले जो आधे से ज्यादा थे। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने आपको आउटलाइन दी है, आपको समझना है। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट कैन बी डिपिक्टेड एज। उनका कहना यह है कि उन्होंने दो प्लांट लिए थे, टॉल प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स एंड शॉर्ट प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स। दोनों को क्रॉस ओवर किया था। क्रॉस ओवर करने के बाद उनको सारे प्लांट्स में वायलेट फ्लावर्स दिखे, ठीक है, लेकिन उनको आधे प्लांट्स में शॉर्ट प्लांट मिले। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा डोमिनेंट है, वायलेट डोमिनेंट है या वाइट डोमिनेंट है? तो आप कह सकते हो यहां जब सारे प्लांट्स में वायलेट दिख रहा है तो वायलेट डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अब शॉर्ट एंड टॉल, उनको मैक्सिम ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट प्लांट मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास जो प्रोजेनी आई है दोनों मिक्स आई है, डोमिनेंट भी आई है, रेसेसिव भी आई है। हमको दिख रहा है शॉर्ट प्लांट, वो 50% ही है, बाकी के 50% टॉल भी तो हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं उनके पास जो प्रोजेनी आई है, एक टॉल प्लांट डोमिनेंट की आई है, एक शॉर्ट प्लांट की आई है, और दूसरा वाइट फ्लावर्स एंड वायलेट फ्लावर्स। तो अगर मैं समझती हूँ कि इसको हम W नाम दे रहे हैं, वाइट फ्लावर्स, एंड दूसरे को W दे रहे हैं, मतलब ये वायलेट को दे रहे हैं नाम और ये वाइट फ्लावर्स को दे रहे हैं नाम। मैंने आपको समझाया था कि जब आप कोई एक प्लांट को नाम अल्फ़ाबेट देते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, डोमिनेंट को कैपिटल देते हैं और रेसेसिव को वाइट देते हैं, रेसेसिव को हम छोटा कैपिटल देते हैं। तो जब आपको आंसर दे दिया गया है कि हमको वायलेट फ्लावर्स मिले, सारे वायलेट फ्लावर्स मिले, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा होना चाहिए? वायलेट। वायलेट को हमने कैपिटल W बनाया, तो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी वो ऐसी होगी। यहाँ पर दिख रहा है एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, क्योंकि यहाँ 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट बने, लेकिन सारे वायलेट बने, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वायलेट वॉज डोमिनेंट। तो आपको चार जवाब दिए गए हैं और उसमें से ये जवाब आपका सही है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल W कैपिटल W। कैपिटल W इसीलिए क्योंकि यहाँ वायलेट फ्लावर को हमने कैपिटल W लिया था और शॉर्ट जो वाइट कलर का फ्लावर था वो रेसेसिव लिया। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट मालूम था। जब रिजल्ट मालूम था उसके हिसाब से मैंने ये अल्फाबेट को चूज करके आपको सामने लिखा है, टी टी एंड W W। दूसरा एग्जांपल है,
दूसरा क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज, आपकी बुक में देखिए चार ऑप्शन दिए हैं आपको. पहला, आवर आर्म एंड डॉग्स फोर आर्म, हमारा आर्म मतलब ये हाथ और डॉग का फोर आर्म मतलब डॉग का सामने वाले पंजे. दूसरा, आवर टीथ एंड एलिफेंट टीथ, एलिफेंट का टस्क जो होता है उसको हम टीथ ही मानते हैं, तो आपने देखा होगा एलिफेंट को सामने दो ऐसे टीथ होते हैं, ठीक है. तीसरा है पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, पोटैटो तो आपने आलू देखे होंगे और रनर्स ऑफ ग्रास मीन्स ग्रास के जो कंटिन्यूस ग्रास, हम अगर एक घास निकालने जाएं तो हमको पूरी ऐसी रनर बाहर निकलती है वो. ऑन ऑल द अबव, तो इसमें से होमोलॉगस क्या हैं, सारे ही होमोलॉगस हैं, क्योंकि होमोलॉगस में क्या था, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर सेम है इसीलिए हम फंक्शन अलग अलग कर, मेरा हाथ का फंक्शन और डॉग के पैर का फंक्शन अलग है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो ये सारे के सारे होमोलॉगस ऑर्गन्स हुए. अगला क्वेश्चन है, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर कॉमन इन इवोल्यूशन, अगर समझें उस टर्म में अगर हम बात करें तो हम वी मतलब ह्यूमन बींग्स हैव कॉमन इन वॉट, क्या हम कॉमन हैं चाइनीज स्कूल बॉय की तरह, या हमारे में और चिंपैंजी में कॉमन है, क्या हम और स्पाइडर में कोई कॉमन थिंग दिखता है, या बैक्टीरिया और ह्यूमन बींग्स में, तो ऑब्वियसली हम किससे सिमिलर हैं, एक दूसरे ह्यूमन बींग से सिमिलर हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, वो ह्यूमन बींग ही है. तो हमारा जो हम कह सकते हैं कि इन इवोल्यूशनरी टर्म हम सिमिलर हैं चाइनीज बॉय से, आपको एग्जांपल में चाइनीज दिया गया है तो चाइनीज बॉय, अगर कोई और बॉय लिखा होता तो वो भी वही आंसर होता. अगला क्वेश्चन है, अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज, मतलब एक स्टडी के मुताबिक एक बच्चे में आंखें ब्राउन या एकदम नीली हैं, लाइट कलर आइज में काली नहीं है लेकिन ब्राउनिश या नीली आंखें हो सकती हैं, तो एक संभावना है कि उसके पेरेंट्स के भी लाइट कलर्ड आइज हो सकते हैं, ये संभावना है. ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट द वेदर द लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव, क्या इस बेसिस में मैं कह सकती हूँ कि लाइट कलर आई डोमिनेंट था, नहीं कह सकती हूँ. मैं बार बार आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि एक जनरेशन में अगर लाइट कलर ब्राउन कलर या नीली आंखें हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे जनरेशन में डोमिनेंट ही बनेंगी, लेकिन हाँ तीसरे जनरेशन में बन सकती हैं, तीसरे जनरेशन में नहीं बनी तो चौथे जनरेशन में बन सकती हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो डोमिनेंट ही है या रेसेसिव है. सो योर आंसर इज इट इज़ नॉट कन्फर्म वेदर इट इज डोमिनेंट और रेसेसिव टिल वी कम टू नो वॉट द अदर प्रीवियस जनरेशन हैड, प्रीवियस से प्रीवियस जनरेशन्स में क्या था, कैसे ट्रेट्स थे, अगर वो मालूम चले तो हम कुछ बता सके कि ये डोमिनेंट था या रेसेसिव था. अगला क्वेश्चन, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी दैट इज इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड, क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे हमें सिमिलर कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो हम उसको एक में क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे हमने एक कैरेक्टर लिया नीली आंखें तो हम जितने लोग होंगे नीली आंखों वाले उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, अगर हम बोलते हैं कि ये लेफ्ट हैंडेड है जितने लोग होंगे लेफ्ट हैंडेड के उनको अलग, जैसे मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ, जैसे ऐसे कोई भी कैरेक्टर लेके आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन से कैसे लिंक्ड है, तो इवोल्यूशन से ऐसे लिंक्ड है कि क्लासिफिकेशन से हमें बहुत कुछ मालूम चलता है कि उस जनरेशन में ये कैरेक्टर कितना प्रोमिनेंट था या कितना डोमिनेंट था और कैसे वो पास हुआ और कैसे वो इवोल्यूएट होता गया, तो ये हम स्टडी कर सकते हैं, इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं जब हम कैरेक्टर्स को अच्छे से क्लासिफाई कर लें. अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स, आपको मैंने बताया होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बट डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन उसका सेम है, मतलब मैं कह सकती हूँ फोर आर्म मेरा फोर आर्म और डॉग का फोर आर्म, या आप कह सकते मेरा फोर आर्म या लिजर्ड का फोर आर्म, बट जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं ओके और सेम फंक्शन होंगे तो हम उसको कहेंगे एनालॉगस,
एनालॉगस इसमें हो सकता है जब सेम फंक्शन मतलब विंग्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है फ्लाई करना, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है वो बहुत डिफरेंट है. तो जब डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, सेम फंक्शन होता है, तो वो एनालॉगस होता है. और जब सेम स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, तो वो होमोलॉगस होता है. अगला क्वेश्चन देखिए. आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स. कोट कलर मीन स्किन का कलर. जनरली हम लोग स्लैंग भाषा में बोलते हैं द कोट कलर ऑफ डॉग इज ब्लैक एंड वाइट. तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि एक डिज़ाइन करके दिखाइए, प्रोजेक्ट करके दिखाइए, जिसमें हम ये दिखा सकें कि डोमिनेंट कलर कौन सा है इस डॉग में. तो अगर हम दो कलर लेते हैं, एक कलर लेते हैं वाइट कलर का डॉग और दूसरा कलर लेते हैं ब्लैक कलर का डॉग. अगर हम समझते हैं कि चलो वाइट इज़ डोमिनेंट एंड ब्लैक इज़ रेसेसिव, तो उसको हम बना के कैसे दिखाएंगे, ज़रा आप देखिए. अब हमें एक आउटलाइन करके दिखाना है कि अगर डॉग का कोट कलर हमें देखना है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, तो कैसे देखना है. तो चलिए मैं बताती हूँ आपको. अगर हमने दो कलर लिए वाइट एंड ब्लैक, और वाइट कलर कोट को हम डोमिनेंट समझते हैं और ब्लैक कलर कोट को हम रेसेसिव समझते हैं, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर हमने समझा है वो है WW, जो मैंने कैपिटल में लिखा है वो दिखा रहा है वाइट कोट ऑफ डॉग. और रेसेसिव कैरेक्टर जो हमने छोटा लिखा है वो छोटे W में लिखा है, जो दिखा रहा है ब्लैक कोट ऑफ डॉग. अब मैंने एक स्क्वायर बनाया है जिसको कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर. अगर आपको याद है तो मैंने ये बताया था आपको, इसको कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर. इस स्क्वायर से आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे डोमिनेंट है और रेसेसिव है. तो प्यूनेट स्क्वायर से क्या हुआ, ये वाइट कलर का कोट है जिसके दो क्रोमोसोम्स होते हैं WW बड़े वाले, और ब्लैक है जो WW छोटे वाले. तो अगर मैं इसको और इसको क्रॉस करूं तो ये W और स्मॉल W, ये और ये करूं तो ये W और ये स्मॉल W, ये वाला दोनों करूं तो ये W और ये स्मॉल W, और ये W और ये स्मॉल W. आप क्या देख सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी है डॉग के नेक्स्ट जनरेशन में बनने के, तो आप देख सकते हैं सब में कैपिटल W है. सब में कैपिटल W है, इसका मतलब है ऑल वाइट डॉग्स. मतलब जो भी डॉग्स F1 जनरेशन में बनेंगे वो वाइट कलर के होंगे, करेक्ट. अब F1 जनरेशन में सारे वाइट डॉग्स बन गए, क्या इसका मतलब है कि उनके इसमें ब्लैक कलर का प्रोजेनी है ही नहीं, तो उनके बॉडी में ब्लैक कलर का भी इनहेरिटेड कैरेक्टर गया है, लेकिन वाइट दिख रहा है इसलिए वो डोमिनेंट है, ठीक है. अगर इसी को मैं F2 जनरेशन में मानूं तो क्या होगा, ये जो है ये दो, इन दोनों को मैं दो पेरेंट्स मान लेती हूँ. तो मतलब दो पेरेंट्स W एंड W इनका क्रॉस करवा देते हैं. F1 जनरेशन में जो हमें डॉग्स मिले वो वाइट मिले, तो उन डॉग्स को जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स लेके आए हैं, अब हम F2 जनरेशन में दिखा देते हैं. तो F2 जनरेशन में क्या होगा, अब मैं देखूँ इसके लिए मैं W छोटा W बड़ा W छोटा W. अगर मैं ऐसा टेबल बनाऊँ, मैं आपके लिए जानबूझ के आपके सामने टेबल बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको भी आसानी से समझ आ जाए कि कैसे बनाना है. ये आपका स्क्वायर बन गया. अब बता सकते हैं आप ये W, ये W और ये छोटा W और छोटा W और छोटा W. तो आप क्या देख सकते हैं, तीन में कैपिटल W है, मतलब 3 विल बी वाइट कलर डॉग्स, ठीक है. और एक जो है वो स्मॉल W से बना है, मतलब 1 विल बी ब्लैक कलर डॉग्स. तो हमको कैसा रेशियो मिला, 3:1 का रेशियो हमें F2 जनरेशन में मिला. सो F2 जनरेशन में जब हमें रिजल्ट मिलता है वो है 3:1 रेशियो. यहाँ पर हमें दिखा 3 वाइट डॉग्स एंड 1 ब्लैक डॉग. तो ये जो उन्होंने हमको कंडीशंस दी थी उसके हिसाब से हमने ये प्यूनेट स्क्वायर बना के आपको दिखाया है. ये आपको 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. अगर आपको ये समझ आ गया कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है, पहला स्टेप आपने कर लिया.
दूसरा स्टेप जो है आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे F1 जनरेशन हमें दिखाना है और कैसे F2 जनरेशन हमें दिखाना है। तो अगर आपको ये आ गया तो बहुत आसानी हो जाएगी, ये आराम से पियोनेट स्क्वायर बना के आप दिखा सकते हैं। ये F2 जनरेशन है, F मीन्स फिलियल जनरेशन और F1 मतलब पहला जो रिजल्ट आया। इन दोनों इन रिजल्ट में से दो हमने डॉग्स को लिया जो वाइट थे लेकिन उनमें ब्लैक कैरेक्टर भी गया था, उनको क्रॉस करवाया, यहाँ डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, और फिर हमने देखा कि बड़े डब्ल्यू 3 में हैं और छोटा डब्ल्यू दोनों 1 में ही हैं। तो 3 वाइट डॉग्स बने और 1 ब्लैक डॉग बना। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट हम दिखा सकते हैं जिस जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फॉसिल्स का क्या महत्व है जब हम इवोल्यूशन के रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं। अब फॉसिल्स का महत्व ये है कि फॉसिल्स हमको पिछले कुछ हिस्ट्री में क्या हुआ था वो बताता है। दूसरा, वो हमको जियोलॉजिकल टाइम बताता है, मतलब वो हम फॉसिल्स के द्वारा हम जियोलॉजिकल टाइम मेजर कर सकते हैं, मतलब कितने साल पुराना ये होगा, फॉसिल मिला है तो कितने साल पुराना होगा ये ढूंढ सकते हैं। तीसरा है कि कितने डेप्थ पे मिला, अगर वो बहुत ज़्यादा डीप मिला है तो हम बोलेंगे बहुत सेंचुरीज पहले हुआ है, लेकिन हमें कुछ ऊपरी भाग में मिला है तो हम कह सकते हैं कि कुछ 100 साल पहले का बात होगा। सो फॉसिल्स से हमें मालूम चल जाता है कितने डेप्थ पे फॉसिल्स मिला है, उसके हिसाब से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कर सकते हैं। और चौथा इम्पॉर्टेंस है कि फॉसिल्स के द्वारा हमें अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में भी मालूम चलता है। तो कौन से स्पीशीज़ थे, अगर हम 2-3-4 प्रकार के फॉसिल्स मिले तो क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी थी तो क्या वो एक स्पीशीज़ के थे, इतने क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल सकता है। इसलिए फॉसिल इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, What evidence do we have for the origin of life from inanimate matter? ऐसा कौन सा हमारे पास प्रूफ है कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या प्लांट्स कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें वो स्टार्ट कैसे हुए, क्या वो ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे मैटर से स्टार्ट हुए जो ऑर्गेनिक नहीं थे, जो जिंदा ही नहीं थे। तो कुछ साइंटिस्ट ने एक्चुअली मिलर एंड यूरे इन 1953 उन्होंने ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिसमें मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया गया। मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया गया, फिर उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जो 100 डिग्री के ऊपर था और उनको काफ़ी अंडर प्रेशर रखा गया। सो जब 2-3 हफ्ते बाद उन्होंने देखा तो देखा उन्होंने कि 15% जो कार्बन था मीथेन में से वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। और ये सिंपल कंपाउंड्स में जब उनको टेस्टिंग किया गया तो उन्होंने देखा वो तो अमीनो एसिड जैसा कुछ बना हुआ है। और अमीनो एसिड्स कहाँ होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स में। सो उन्होंने ऐसा लगाया कि अंदाज़ा लगाया कि शायद जब ये धरती बनी होगी तब इस टाइप के गैसेस होंगे, इतना हाई टेम्परेचर होता होगा, इतना हाई प्रेशर होता होगा और ये जो अमोनिया है उसमें जिसमें कार्बन है, आप कह लो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसमें हाइड्रोजन भी है और मीथेन है जिसमें भी कार्बन है और अमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन भी है, तो ये सब मिला के ऐसा टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे अमीनो एसिड्स जो आज हम अमीनो एसिड्स में जानते हैं केमिकल उससे सिमिलर थे। और अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन की संख्या भी बहुत होती है। तो इस तरह से एविडेंस उन्होंने मिलाए और ये एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि हो सकता है कि जो लाइफ बनी है इस अर्थ पे वो इस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से या इन क्या कहते हैं आप ऐसे मैटर से जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तो था लेकिन कोई लाइफ नहीं थी, ऐसे एलिमेंट से ऐसे कंपाउंड से वो बने होंगे। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वायबल वेरिएशंस देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस मिले या जो बने वो ज़्यादा फायदेमंद थे इन कंपैरिजन टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हार्डली एनी वेरिएशंस थे। और आगे का क्वेश्चन है, हाउ डज दिस इफेक्ट द इवोल्यूशन
ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. वेरिएशंस क्यों होते हैं? वेरिएशंस इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, डीएनए क्रॉसिंग हो रहा होता है, तब काफ़ी एरर्स होते हैं और इन एरर्स को हम नाम देते हैं वेरिएशंस. लेकिन वेरिएशंस का खूब फ़ायदा होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये वेरिएशंस हो रहे हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ज़्यादा अच्छे से एनवायरनमेंट को अडैप्ट कर पाता है, अपने खुद के कैरेक्टर्स डेवलप कर पाता है और एक अलग टाइप का इंडिविजुअल बन सकता है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण दो प्रकार के सेक्सेस जन्म लेते हैं, जो एक मेल होता है और एक फीमेल होता है. लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है जो ब्रेक डाउन कर सकता है या बडिंग के द्वारा रीजनरेट हो सकता है. तो इस टाइप इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस होते हैं वो ज़्यादा अडैप्टिव होते हैं. इसीलिए इवोल्यूशन में हमने देखा है कि काफ़ी एविडेंसेस हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की मिले हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं. अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी. इसका मतलब, इस धरती पे बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, कैसे ये संख्या मेल और फीमेल की बराबर रहती है, कैसे रहती है? तो आपको जब मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था तो आपको बताया था मेल कैरीज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एंड फीमेल कैरीज एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स. सो वहाँ 50% चांस होता है कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल गिव्स आउट एक्स या मेल गिव्स आउट वाई. फीमेल के पास तो एक्स ही है, वो तो फीमेल एक्स ही क्रोमोसोम आगे पास करेगी. लेकिन जो मेल होता है, जो आदमी होता है, उसके पास एक्स एंड वाई टाइप के क्रोमोसोम होते हैं. सो वहाँ पर ये चांसेस 50% चांसेस होता है कि एक्स होगा, एक्स पास होगा या वाई पास होगा. अगर एक्स पास हो रहा है तो वो एक्स फीमेल एक्स से क्रॉस होगा और गर्ल चाइल्ड बनाएगा. और अगर Y पास हो रहा है तो Y वो फीमेल X से क्रॉस ओवर होगा और बॉय चाइल्ड बनाएगा. सो देयर इज ऑलवेज अ 50% चांस ऑफ बॉय एंड गर्ल. इसीलिए हम देखते हैं इस दुनिया में जो परसेंटेज होता है बॉयज़ गर्ल्स का, वो 50-50% ही रहता है. लेकिन आज की दुनिया में जहाँ पर गर्ल्स को मार दिया जाता है, वूम में ही मार दिया जाता है, उसके कारण यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज में फ़र्क पड़ा है और इससे इनइक्वालिटी पैदा हुई है. तो यहाँ पर जो फीमेल फीटोसाइड होता है, जिसको हम कहते हैं कि गर्भ में ही बच्चे को मार देना, उसको हम कहते हैं फीटस को मार देना. तो वहाँ पर जैसे ही किसी को मालूम चलता है थ्रू सोनोग्राफी की लड़की है, तो वो वहाँ पर एबॉर्शन करवा लिया जाता है. तो ये बहुत प्रिवलेंट होता है. आजकल इसको बैन कर दिया गया है. एवरी सोनोग्राफी जो सेक्स बता सकती है बच्चे का, उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये पूरे दुनिया में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो को डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब कर रही है. सो जहाँ हम इंटरफेयर करते हैं, जहाँ ह्यूमन बींग्स इंटरफेयर करते हैं, वहाँ पर ऐसा इनइक्वालिटी हो सकती है. और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन. मतलब अगर हम एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल की बात करें तो बहुत अगर वेरिएशंस हैं तो आदमी काफ़ी स्टेबल रह सकता है या अडेप्ट कर सकता है. क्या ये सच है? तो ये हम सच तो नहीं कह सकते. हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएशंस डिपेंड वेरिएशंस हों तो ही अडाप्ट कर सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वेरिएशंस हों तो वो पॉजिटिवली अडाप्ट कर सकता है. कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो हमारे इसमें चेंज तो ले आते हैं लेकिन एनवायरनमेंट से मिलते जुलते नहीं हैं, तो हम उस वेरिएशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते. सो वेरिएशन शुड बी ओनली दोज वेरिएशंस विच कैन हैव अ एडवांटेज इन द एनवायरनमेंट. सो अगर एडवांटेजियस वेरिएशंस हैं तो यस, हम अडेप्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं. और एडवांटेजियस वेरिएशंस नहीं हैं तो बहुत बार दिक्कत आती है सर्वाइव करने में. सो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन कि वेरिएशंस एडवांटेज देते हैं एक इंडिविजुअल को, ये सच नहीं है. हमको ये देखना पड़ता है कि क्या वो वेरिएशंस एडवांटेजियस हैं, क्या उनका फ़ायदा है, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं. ये थे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में पीछे दिए गए हैं.
सो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं और आपने बुक खोल के मेरे साथ उसको समझे हैं। आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।